आज का हमारा व्लॉग चीजियस का है। आज हम आए हैं चीजियस और चीजियस की बिल्डिंग उसी तरह चीजी है जिस तरह इनका पिज़्ज़ा चीजी है। हॉल में एंटर होते साथ ही हमें बहुत ज़्यादा रश देखने को मिला, तो हमने सोचा हम ऊपर चलते हैं। तो लिफ्ट यहाँ पे सामने थी, हम लिफ्ट के जरिए ऊपर जाना शुरू हो गए। हम सबसे ऊपर चले गए जहाँ पे इनका रूफ टॉप है और रूफ टॉप से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है नीचे का। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज बैठ के खा रही थी और यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी, तो हमें वापस नीचे जाना पड़ा फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमें यहाँ पे जगह मिल गई थी विंडो के पास और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। फॉक और नाइफ को बहुत अच्छी तरह पैक किया हुआ है और सामने टिश्यू और प्लेट्स ला के रख दी गई हैं। पिज़्ज़े का ऑर्डर दिए हुए काफ़ी टाइम गुजरा था और मैं वेट कर करके थक गया था। और यहाँ पे इनका स्टाफ खड़ा था जो आपस में बातें करी जा रहा था। बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, हॉल भरा हुआ था। यहाँ पे हमें हमारी ड्रिंक मिल गई थी और जो है बहुत मज़े की थी, जिसको आप जितनी बार चाहें रीफिल करवा सकते हैं। ड्रिंक हमने एक कोक और एक फांटा ली थी, जो कि फांटा नदीम पी रहा और कोक मेरे सामने आई है। फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, जो कि क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है लार्ज। और ये जो हमें मिला है वो 1760 का मिला है और इसको हम अब खाते हैं। देखने में बहुत क्रीमी लग रहा है और इसके जो स्लाइस हैं वो छोटे होते हैं नॉर्मल पिज़्ज़े से। भूख और इंतज़ार कर करके जो है जान निकली थी, तो पिज़्ज़ा हमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। पूरा एक हिस्सा नदीम ने पिज़्ज़े का ले लिया और एक हिस्सा मैंने ले लिया, बाकी बचा आधा पिज़्ज़ा और साथ हमने कैचअप लगा के बहुत इंजॉय करके इसको खाया। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गार्लिक पाउडर लगा लिया था, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का था। हम सब कुछ भूल के पिज़्ज़े को लगे हुए थे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम पिज़्ज़ा खा रहे थे। हमने फोक एंड नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हाथों से पिज़्ज़ा को खाना शुरू कर दिया, जो कि इंतहाई मज़े का था। सॉस लगा के खा रहा था मैं। फिर मैंने देखा कि लोग हमें देख रहे हैं, हम हाथों से पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो हम मुझे शर्म आई और मैंने फिर फोक एंड नाइफ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फोक एंड नाइफ से मैंने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया और फिर मैं उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, लेकिन उससे ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि चलो कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा। पिज़्ज़ा खाकर तो बैली फुल हो गया, उसके बाद मैंने ड्रिंक वगैरह पी और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल खाली कर दिया सब कुछ। पिज़्ज़े का एक हिस्सा पड़ा हुआ है जो कि मैं पैक करवाऊँगा और घर जाके खाऊँगा, लेकिन नदीम अभी तक जुड़ा हुआ है और इसने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लिया। अब इसको पैक करवाते हैं और बाकी जो है यहाँ से बिल पे करते हैं और यहाँ से निकलते। हमारा टोटल बिल जो है 2000 समथिंग बना है, 70-80 का पिज़्ज़ा था और बाकी जो है मैंने पैक करवा लिया ये, और यहाँ से हम अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें इसकी जोहर टाउन ब्रांच थी, जो कि जीवन मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ ही एक और ब्रांच इनकी जो कि एक्सपो सेंटर के पास मौजूद है। कार्ड से पेमेंट थी इसलिए मुझे यहाँ पे काउंटर पे आना पड़ा वेटर के साथ, और यहाँ से अब बाहर चलते हैं। गार्ड ने जब देखा इसके हाथ में पिज़्ज़ा है तो इससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो गार्ड ने खुद फिर दरवाज़ा खोल दिया और ये वहाँ मुँह पर बैठे हुए थे बिल्डिंग में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पिज़्ज़ा लेते हैं और घर चलते हैं। मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।